Hey all, welcome back. This is Vinay Singh from wishacademy.com and last video में भारी डिमांड के बाद इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कलर्स के ऊपर एक वीडियो. वेल सो कलर्स जो होते हैं वो डिसाइड करना किसी भी वेब डिजाइनर के लिए या यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए एक बहुत ही टफ काम होता है. राइट रॉन्ग? एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बच्चों का खेल होता है और ये 2 मिनट में हो सकता है. वो कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में. आपको हमेशा अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कलर स्कीम सेलेक्ट करने में परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा कोडिंग पढ़ी होती है और कलर्स पे कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता है. हमने कभी कलर्स के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पढ़ा होता है. सो, इस वीडियो में हम फंडामेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह हम कलर्स आसानी से चूज कर सकते हैं. सो, नंबर वन स्टेप इज नो द कलर्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कलर्स आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ कलर्स आप फिल करने वाले हैं आपकी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन में. उसके बाद उन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर फिल करना है. राइट, सो कौन कौन से कलर होते हैं चलिए मैं बताता हूं, आप नोट करना शुरू कीजिए. नंबर वन प्राइमरी कलर, देन 1.1 प्राइमरी वेरियंट, नंबर टू सेकेंडरी कलर, नंबर 2.2 सेकेंडरी वेरिएंट, देन नंबर 3 बैकग्राउंड कलर, देन सरफेस कलर एंड देन वैलिडेशन कलर. उसके बाद आती है टाइपोग्राफी एंड आइकोनोग्राफी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो प्राइमरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर होता है बेस कलर, वो कलर जो आपकी थीम का कलर होता है, जो मेन कलर होता है आपकी थीम का. ओके, एंड इसके बारे में बात करेंगे हम कुछ ही देर में. फिलहाल हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विच इज द टाइप ऑफ स्कीम्स. कलर स्कीम्स कितने तरह की होती है? एक्चुअली कलर स्कीम में हम एक स्वेचेस बनाते हैं कलर का. ओके, एंड उन स्वेचेस को क्रिएट करने के लिए हम कुछ मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं कलर व्हील पर. सो वेब के लिए जो पॉपुलर है वो है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. सो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होता है? वेल, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में केवल एक कलर होता है जो कि बेस कलर होता है एंड हम उसी कलर का टोन एंड शेड यूज करते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में दो कलर्स होते हैं. सो जो सेकेंडरी कलर होता है वो प्राइमरी कलर के एकदम अपोजिट होता है. अगर आप कलर व्हील पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर प्राइमरी कलर है उसके ठीक अपोजिट में सेकेंडरी कलर होता है. जब आप व्हील को मूव करेंगे एंड प्राइमरी कलर को मूव करेंगे तो सेकेंडरी कलर ऑटोमेटिकली मूव होगा और आप देखेंगे कि ये हमेशा इसके अपोजिट रहेगा. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में कॉन्ट्रास्ट का यूज होता है, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर में एकदम रिवर्सल कॉन्ट्रास्ट होता है ताकि एलिमेंट्स हाईलाइट हो सके. ओके, नाउ नंबर 3, ये कैसे पता चलेगा कि हमें प्राइमरी कलर यूज करना है या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज करना है और ये दोनों कलर हम कहां से लेके आएंगे? वेल, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लोगो की सुनो. वेल, आपको पीपल्स की नहीं सुनना है, आपको ब्रांड आइडेंटिटी की सुनना है. आपके ब्रांड का जो लोगो होता है उसमें आपको देखना है कि कौन से कलर यूज किए गए हैं. अगर लोगो में केवल एक ही कलर यूज किया गया है तो ये बहुत ही आसान है, आपको मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज करना है. ओके, एंड अगर लोगो में दो कलर हैं, दो से ज्यादा कलर है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज कर सकते हैं. ओके, सो इनमें से कोई भी कलर प्राइमरी कलर हो सकता है, कोई भी कलर सेकेंडरी कलर हो सकता है अगर लोगो में दो कलर है तो. जनरली लोगो में जो कलर ज्यादा होता है उसे हम प्राइमरी बनाते हैं और जो कलर कम होता है उसे हम सेकेंडरी बनाते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड रिक्वायरमेंट. आप किसी भी कलर को प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर बना सकते हैं. नाउ कैसे याद है कि अगर लोगो नहीं हुआ तो क्या होगा? वेल, हर वेबसाइट या हर एप्लीकेशन का लोगो जरूर होता है, अगर नहीं होगा तो क्लाइंट आपसे बनवाएगा. और अगर फिर भी आपके पास लोगो नहीं है तो आप किसी फ्लैट कलर का यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ फ्लैट कलर कैसे होते हैं ये देखने के लिए आप जा सकते हैं flatuicolor.com पर और या फिर flatuicolorpickers.com पर. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर शेड के फ्लैट कलर का टोन्स यहाँ पर मौजूद है. ओके, सो कोई भी टोन्स एंड शेड्स आप यूज कर सकते हैं एंड उन्हें यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम के लिए. जनरली आपको जो पहला काम करना होता है वो होता है लोगो की सुनना. ओके, सबसे पहले आपको लोगो का कलर उठाना होता है, देन आप आसानी से चूज कर सकते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग,
कि जब भी आप कलर्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लोगो से प्राइमरी कलर मिल गया, तो आपको हर जगह पर प्राइमरी कलर यूज नहीं करना है, आपको केवल हाइलाइटिंग में प्राइमरी कलर यूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट का कोई हेडर है तो आपको हेडर का बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कलर नहीं देना है, बल्कि हेडर का बैकग्राउंड कलर आप व्हाइट रखिए और उस पे जो लिंक आती है उन लिंक का कलर आप प्राइमरी कलर से रखिए। दैट विल बी एन ऑसम थिंग। ओके, और अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बैकग्राउंड एंड बेस का इस्तेमाल करना है, देन उससे कम आपको प्राइमरी का यूज करना है एंड उससे कम आपको सेकेंडरी का यूज करना है। ओके, सेकेंडरी कलर का यूज कुछ स्पेशल केसेस में किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फीचर है जिस पर किसी यूजर का ध्यान जाना ही चाहिए, ये आपका पर्पस है, तो आप सेकेंडरी कलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्लाइडर के जो बटन होते हैं वो आप सेकेंडरी कलर में दे सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल बॉटम साइड में कोई मेन्यू हो या कोई क्लाइंट फीडबैक के लिए कोई ऑप्शन आप चाहिए तो आप वहां पर सेकेंडरी कलर का यूज कर सकते हैं, या कोई बुलेट पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो बुलेट जो होती हैं उन्हें आप सेकेंडरी कलर में दे सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल जगहों पर सेकेंडरी कलर का यूज किया जाता है, देन लिंक्स एंड हेडिंग्स वगैरह में आप प्राइमरी कलर का यूज कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड कलर में आप व्हाइट यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये जनरल पर्पस में किया जाता है। कंक्लूजन ये कि आपको सबसे पहले चाहिए लोगो, देन आपको चाहिए प्राइमरी कलर, प्राइमरी वेरियंट कलर। प्राइमरी वेरियंट होता है प्राइमरी कलर का डार्क शेड, देन आपको चाहिए सेकेंडरी कलर जो आपको लोगो से मिल सकता है और ये ऑप्शनल होता है। प्राइमरी कलर बेस्ट कलर होता है, सेकेंडरी कलर ऑप्शनल कलर होता है। देन सेकेंडरी का वेरिएंट होता है सेकेंडरी का डार्क शेड, देन होता है बैकग्राउंड कलर जो जनरली व्हाइट होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, आप कोई भी रख सकते हैं। देन होता है सरफेस कलर। सरफेस कलर जो होता है वो एलिमेंट का जो बॉर्डर कलर एंड शेडो कलर हम देते हैं उसे हम कहते हैं सरफेस कलर। एंड सरफेस कलर जो होता है जनरली वो लाइट ग्रे कलर का होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बॉक्स शेडोज जो होती है वो एकदम लाइट ग्रे कलर के हम देते हैं किसी कार्ड पैटर्न में या मटेरियल डिजाइन में आप देख सकते हैं। ओके, देन फॉन्ट कलर जो होता है जनरली ब्लैक या व्हाइट होता है, डिपेंड करता है कि प्राइमरी कलर कैसा है एंड उसके साथ किस तरह का कॉन्ट्रास्ट आपको चाहिए। ओके, एंड आप चाहें तो कलरफुल भी दे सकते हैं, अगर आप व्हाइट कलर का यूज कर रहे हैं तो आप प्राइमरी कलर से हेडिंग दे सकते हैं लाइक दैट। ओके, उसके बाद आते हैं वेलिडेशन कलर्स। सो वेलिडेशन कलर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। वेलिडेशन कलर आप कोई भी रख सकते हैं जनरल, जैसे कि एरर का जो कलर होता है वो हमेशा आप रेड ही दिखाएंगे। ओके, क्योंकि रेड से ही पता चलता है कि वो एरर है। अगर आपका प्राइमरी कलर ब्लू है या रेड या कोई और है तो इट्स टोटली ऑप्शनल एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो वेलिडेशन कलर जो है आप पे डिपेंड करते हैं, इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी चूज द कलर फॉर अवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। सो ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टू सी सम लाइव एग्जाम्पल। कुछ ब्रांड्स की वेबसाइट हम देखते हैं और जज करते हैं, कुछ रिव्यू करते हैं कि उन्होंने किस तरह लोगों से कलर को पिक किया है और अपनी वेबसाइट का कलर स्कीम डिफाइन किया है। इसमें हम सिंगल कलर एंड डबल कलर दोनों तरह के ब्रांड्स को देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं ट्विटर से हम। ट्विटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का। आप देख सकते हैं कि ट्विटर का जो कलर है लोगो का वो है स्काई ब्लू, एंड इन्होंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर को प्राइमरी कलर बनाया है और उसे एक हाइलाइटर की तरह यूज़ किया है। सो यहाँ पर इन्होंने आइकोनोग्राफी में यूज़ किया है ग्रे कलर, एंड टेक्स्ट में यूज़ किया है इन्होंने ग्रे कलर, देन हेडिंग्स में इन्होंने यूज़ किया है ब्लैक कलर, एंड जहाँ पर भी आपको हाइलाइटर्स दिखाई देंगे वो प्राइमरी कलर के दिखाई देंगे जो कि उनके लोगो का कलर है। सो इस तरह ट्विटर ने अपने लोगो के कलर को प्राइमरी कलर बनाया है। ओके, एंड यहाँ पर एक ही कलर है तो इसलिए इन्हें दूसरे कलर की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई सेकेंड कलर का यूज़ नहीं किया है। ओके, नाउ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो मेरे पास है मोबाइल में कोटेक सिक्योरिटी, हियर इज कोटेक सिक्योरिटी। सो कोटेक सिक्योरिटी को मैं चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनके लोगों में दो कलर हैं, या कह सकते हैं तीन कलर है, रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर। ओके, नाउ जब ऐप ओपन होती है तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर इन्होंने लिया है वो लिया है ग्रे कलर। ओके, देन जो कार्ड्स का कलर है वो है वाइट, देन का सरफेस कलर आप देख सकते हैं वो है ग्रे, जो शेडो आपको दिखाई दे रही है वो है सरफेस कलर। ओके, देन हेडर इन्होंने लिया है रेड कलर में, आप देख सकते हैं यहाँ हेडर। ओके, देन रेड जो है इनका प्राइमरी कलर है, एंड आप टॉप पे देख सकते हैं जो टाइमलाइन दिख रही है, जब आपको ये टाइम दिखाई दे रहा है एंड वाईफाई का आइकन दिखाई दे रहा है,
वो हेडर के कलर से डार्क है, सो ये है प्राइमरी वेरिएंट कलर। ओके, देन यहाँ हेडिंग्स में इन्होंने ब्लू कलर का टोन यूज़ किया है, देख सकते हैं आप, जो इनका नेवी ब्लू है उसका लाइट वर्जन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है हर जगह पर हेडिंग में, एंड जो नेवी ब्लू है वो उन्होंने आइकन्स में यूज़ किया है यहाँ पर। ओके, जितने भी आइकन्स हैं वो नेवी ब्लू में, हेडिंग्स जो है वो ब्लू के टोन में है, एंड साइड बार में आप देख सकते हैं जो लोगों का ब्लू कलर है वो उन्होंने यहाँ पर साइड बार के हेडर में यूज़ किया है, एंड दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। ओके, जो बटन्स का कलर है वो है ब्लू में, एंड जो प्राइमरी कलर है रेड वो उन्होंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट बॉक्स में। सो दिस इज़ हाउ द कोटे सिक्योरिटी इज़ यूजिंग द लोगो कलर्स इन दी ऐप कलर स्कीम्स। इसी तरह आप पेटीएम देख सकते हैं, पेटीएम का जो लोगो बना है वो एनालॉग कलर स्कीम पर बना हुआ है। सो वेयर इज़ पेटीएम, हियर इज़ पेटीएम का जो पे लिखा है वो लिखा है नेवी ब्लू से, एंड टीएम लिखा है स्काई ब्लू से। देन पेटीएम ने भी यहाँ पर वाइट जो लिया है वो बैकग्राउंड कलर लिया है। देन प्राइमरी कलर है इनका नेवी ब्लू, नेवी ब्लू से इन्होंने यहाँ पर हेडर बनाया है, नेवी ब्लू से इन्होंने आइकन्स के आउटलाइंस एंड स्ट्रोक्स ड्रॉ किए हैं। देन सेकेंडरी कलर है जो कम भी यूज़ किया है वो है टीएम लिखा हुआ है स्काई ब्लू कलर। सो इसका यूज़ उन्होंने कहीं कहीं पर किया है जहाँ पर इन्हें हाईलाइटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि आइकन्स को हाईलाइट करने के लिए, नीचे टैब्स को हाईलाइट करने के लिए। ओके, इस तरह से इन्होंने लोगों में से कलर यूज़ करके अपनी ऐप की कलर स्कीम रेडी की है। इसी तरह आप गाइस वेबसाइट में भी देख सकते हैं, कैडबरी डेरी मिल्क का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, जो रैपर होता है पर्पल होता है, एंड टेक्स्ट जो होता है वो गोल्डन होता है। सो इन्होंने यहाँ पर प्राइमरी कलर जो है वो लिया है पर्पल, एंड इसी के साथ सेकेंडरी कलर है गोल्डन, जिसका यूज़ इन्होंने हाईलाइटिंग के लिए किया है, जैसे कि इमेजेस में गोल्डन है, यहाँ पर इन्होंने एक इमेज यूज़ की है, यहाँ पर इन्होंने गोल्डन का यूज़ किया है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट में गोल्डन का टच दिया है। वैसे डिटोल की वेबसाइट आप देख सकते हैं, डिटोल का जो लोगो है वो ग्रीन कलर का है, तो उन्होंने प्राइमरी कलर पूरा ग्रीन को लिया है, एंड ये एक मोनोक्रोमेटिक वेबसाइट है, इन्होंने ग्रीन पर ही पूरी वेबसाइट का कलर स्कीम डिसाइड किया है। ओके, इसी तरह लाइफ बॉय आपने देखा है, लाइफ बॉय का जो लोगो है वो रेड है, तो इन्होंने रेड कलर को प्राइमरी लिया है, बैकग्राउंड कलर जो है वाइट लिया है, एंड प्राइमरी कलर को एज ए हाईलाइटर यूज़ किया है। ओके, सो अगर आपके पास केवल वन कलर लोगो है तो आप उसका यूज़ एज ए हाईलाइटर कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट देकर, और अगर आपके पास डबल कलर है तो आप फर्स्ट कलर को प्राइमरी कलर बना सकते हैं, एंड मैक्सिमम एलिमेंट उससे डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैडबरी में भी कलर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया गया है, आपको इतना कलर का यूज़ भी नहीं करना होता है, एक लिमिटेड करना होता है, एंड सेकेंडरी कलर का यूज़ जो है आपको केवल हाईलाइटिंग के लिए करना है। ओके, सो गाइस ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने देखा कि किस तरह से कोई सिंगल कलर लोगो वाला ब्रांड अपनी वेबसाइट या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को थीम देता है, एंड किस तरह कोई मल्टी कलर लोगो वाला ब्रांड अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन को कलर स्कीम या थीम प्रोवाइड करता है। ओके, सो आई होप कि अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा किसी कलर स्कीम को डिफाइन करना, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंड अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ मन में उलझन है, सो यू कैन पुट योर क्वेश्चन बिलो द वीडियो, एंड कमेंट में आप हमें यही बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर यू कैन पुट बिलो द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन हैप्पी कोडिंग।